जी वेलकम बैक आ, अच्छा हम यहाँ पे दो पिलर डिस्कस कर लिए थी सेवन पिलर के बाद आ, की बात हो रही थी अब हम ना बात करने जा रहे हैं पिलर नंबर थ्री के ऊपर तीसरा जो हमारा पिलर है तीसरा जो स्तून है एम एल एम को उस पर हम बात करेंगे वर्क दिस्टम वर्क दिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर तीसरा जो पिलर है जी इसकी बड़ी अहमियत है जैसे अभी जवेद साहब ने एक सवाल किया कि कुछ लाहौर फैसला लाहौर में लोग हैं कुछ फैसलाबाद में हैं तो इसका जवाब यह है कि जब हमारा सिस्टम सेम हो जाएगा तो इन क्या होगा कि हम वहाँ पे सिस्टम को लॉन्च करेंगे ना मतलब जब आप सिस्टम सेम होता है तो आप जा मर्जी लॉन्च कर दें तो वो काम वहाँ पे चलना शुरू हो जाता है मतलब आप लाहौर है तो लाहौर से हम बंदा सेलेक्ट करें कि किस बंदे को हम वहां का लीडर बनाए जिसको तैयार करेंगे जो कल एक साल डेढ़ साल दो साल के बाद अपनी शॉप वहां पे बना ले और जिसको हम बेसिक चीज़ें ऑनलाइन भी सिखा दें और अपनी ट्रेनिंग भी वहां पे कर लें इस तरीके से फैसलाबाद से हम एक बंदा जो है जो है वो सिलेक्ट करें और उसको हम टीच एंड ट्रेन करें वो कल जाके वहां पे वो वहीं पे अपनी फैसलाबाद के अंदर अपनी फ्रेंचाइज को रन कर ले तो इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है वो बहुत शानदार है तो इन शाह आपको उस हवाले से प्रॉब्लम नहीं आएगा वो सिस्टम जब हम उसको फॉलो करेंगे तो आइए पिलर नंबर थ्री पे हम बात करेंगे सिस्टम सिस्टम काम करता है बेसिकली जब इंसान खुद काम करता है अकेले खुद काम करता है तो वो थक जाता है इंसान खुद काम कर करके थक जाएगा लेकिन अगर सिस्टम काम करेगा तो वो उसको कामयाब होगा देखिए आज के एफ जो है दुनिया के हर कोने में आपको नजर आता है तो वहां तो कर्नल सेंडर जिसने बनाई के एफ या जिसके उसके आगे ओलाद बच्चे जो है वो तो हर जगह नहीं बैठे हुई है आप देखिए उसने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि दुनिया के हर कोने के अंदर के एफ चल रहा है इसी के साथ साथ मिस्टर ली जनयान ने दुनिया के एक सौ नबे ममालिक में अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया है तो वो सिस्टम के मुताबिक चल रहा है तो इसको सिस्टम कहते हैं अब सिस्टम कैसा होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए वो आगे हम देखिये आपको ना तस्वीर नजर आ रही है इस पे, स्क्रीन पे आप देखें तो ये बेसिकली आप इसको अपनी जबान में डाई कहते हैं डाई और इसको आम जबान में सांचा भी कहते हैं ठीक है सांचा जो होता है या डाई डाई कहते हैं कि आप किसी चीज की कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो एक मतलब एक ही वो मशीन होती है उसमें से आगे हजारों कापियां निकल रही होती हैं जैसे फोटो स्टेट मशीन होती है आप उसमें एक चीज रखते हैं आगे हजार कापी निकल, निकल निकाल लें वो एक जैसी कापियां होती हैं इसी तरीके से आप देखें ये ऊपर आपको डाई में सेंटर में बंदा खड़ा है और दोनों साइडों पे खुली हुई है तो ये एक डाई है और इस डाई से एक जैसे लोग निकल रहे हैं एक जैसे लोग अगर सिस्टम एक जैसा नहीं होगा मिसाल के तौर पे मतलब एक ऑफिस में अलग तरीके से काम हो रहा है दूसरे ऑफिस में अलग तरीके से काम होगा फिर प्रॉब्लम आता है लेकिन अगर आप सेम तरीके से काम कर रहे हैं सेम वे से तो फिर वो काम आपके लिए ईजी हो जाता है आसान हो जाता है आप देखिए हमारी प्रोडक्ट जो सफरलीना आप यहाँ पे लेते हैं वही सफरलना आपको अमेरिका और यूरोप में मिलती है सेम है मतलब पूरी दुनिया में सेम मतलब मिस्टर ली ने सिस्टम बना लिया है इसी तरीके से अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो तालीमी निज़ाम है ये भी हमारे पास अलहमदिल्ला सेम है और इसको भी जब आप बिल्ड हो जाएंगे ठीक है बिल्ड हो जाएंगे तो इनशाला तम अपने अपने आगे एक हज़ार तक अपनी फ्रेंचाइज बना लेंगे एक हजार तक क्योंकि सिस्टम जो सेम होगा पिलर नंबर थ्री वर्क सिस्टम योर नेटवर्किंग बिजनेस इज बेस्ड ऑन दी टर्न की सिस्टम जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है इसकी जो बुनियाद है वो टर्न की सिस्टम पे है टर्न की सिस्टम का मतलब जो है वो सिस्टम जो आगे चलने वाला हो ऐसा ना हो कहीं जाके वो रुक जाए जैसे टर्न की यानी कि आप चाबी को घुमाते हैं ताला खुल जाता है तो ऐसा एक सिस्टम जिसके जरिए जिसके जरिए आप आगे आसानी से अपने नेटवर्क को डुप्लीकेट कर सकें मिसाल के तौर पे जवेद साहब ने सईदा जैनब सिस्टम को यहां पे ज्वाइन कराया अब ये ज्वाइन हो गई अब ये कंपनी की ब्रांच में गई वहां पे ज्वाइनिंग की तो थोड़ी देर के बाद इनके पॉइंट शो हो गए आपने सारी चीजें वहां पे देख ली प्रोडक्ट भी मिल गई सारा कुछ हो गया तो ये सेम है सारा इसी तरीके से अभी मैंने अभी तकरीबन दो घंटे पहले तकरीबन दो सॉरी दो घंटे तीन से चार घंटे पहले मैंने खिड़ा से मतलब एक बंदे की शॉपिंग करवानी थी उसको उसने कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करवाए वहां से तो इधर से उसकी शॉपिंग हो गई तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है ये तो हो गया कंपनी का सिस्टम अब हम चूंकि बात कर रहे हैं ट्रेनिंग सिस्टम की तो ट्रेनिंग सिस्टम भी आपका सेम होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए जिससे फिर आगे आपका बिजनेस तेजी से प्रमोट हो जाएगा प्लेस लॉन्ग बिफोर यू ज्वाइन मतलब जब आप इसको लगाएंगे जब आपने ज्वाइन किया तो जो ऐसा हो कि जो जिसको आप ना जो बड़े अरसे से चल रहा हो सिस्टम ठीक है जब आप ज्वाइन करते हैं ज्वाइन करने से पहले वो ऑलरेडी चल रहा हो ऐसा सिस्टम इसको टर्न की सिस्टम कहते हैं और आपके लिए इन जी सिस्टम जो है ये टर्न की सिस्टम है बेहतरीन सिस्टम है जो आप आगे आपको हर चीज में आगे लेके चलेगा ये सिस्टम अब सिस्टम होता क्या है अब ये समझ आ जाएगी आगे ए वे ऑफ डूइंग बिजनेस एक कारोबार करने का तरीका होता है ए वे ऑफ डूइंग बिजनेस एक कारोबार करने का तरीका होता है दैट वुड मल्टीप्लाई योर पर्सनल एफर्ट मेनी टाइम्स जो आपकी जाती एफर्ट्स होती हैं उनको डुप्लीकेट कर देता है यानी कि आप देखिए सकलैन अफजल ट्रेनिंग दे रहा है अगर यही ट्रेनिंग जो है आप ट्रेनिंग जब सीख जाएंगे तो जब यही ट्रेनिंग क्या होगा आगे बीस लोग कर रहे होंगे बीस लोग तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और मेरी एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी कि आज हमारे पीवी जो है वो हजारों लाखों में आते हैं ये पीवी हजारों में क्यों आ रहे हैं बेसिकली आगे काम डुप्लीकेट हो गया है अब अहट्टाद में आपस मान गया वहां बना लिया तो वो मेरी टीम है वो आगे डुप्लीकेट हो गए मतलब कैसा साहब ने आप बना लिया तो डुप्लीकेट हो गया आगे कोरे साहब हाँ ने ऑफिस बना लिया तो डुप्लीकेट हो गया तो एफर्ट्स डुप्लीकेट हो रही हैं इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने फॉर एग्जांपल दूसरी मंजिल पे आपने 20 ईंटे लेके जानी है मिसाल देता हूं अब आप जो हैं 10 लोग हैं आप अकेला 20 बंदा ईंटे लेके जाएगा तो वो थक जाएगा आप 10 लोग हैं अगर दो-दो ईंटे -दो लेके चले जाते हैं तो आपकी एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो गई हैं इजी हो गया काम तो सिस्टम के जरिए काम इजी हो जाता है जैसे मैंने एक मिसाल दी थी आपको जैसे आप जो बुलेट होती है उसको आप पिस्टल में डालते हैं तो फायर जब होता है तो वो बुलेट चली गई है पिस्टल के अंदर, अब वो सिस्टम में चली गई है अब उसकी स्पीड हजार गुना आम आप वैसे किसी गोली मारते हैं मतलब हाथ से तो वो बंदा कुछ कुछ भी नहीं होगा किसी को लेकिन आप उसको पिस्टल से गोली जब निकलेगी तो उसकी शिद्दत जो है वो हजार गुना स्पीड होगी उसकी तो कितने घंटों की तहत उससे आगे करेगी क्योंकि वो सिस्टम में चली गई है अभी इस वक्त जो है आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये भी एक सिस्टम है जूम जो है ये एक सिस्टम है एप्लीकेशन जो है तो दुनिया में इस वक्त जो लोग कामयाब लोग हैं ये बात याद रखिएगा उन्होंने सिस्टम में से पैसा कमाया है

सिस्टम बेसिकली जो है एक कारोबार करने का तरीका होता है जिसके जरिए आपकी जो एफर्ट्स होती हैं जो जाती मल्टीप्लाई हो जाती है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है आगे ये कहता है फाइंड अ सिस्टम दैट हाई रिटर्न आप एक ऐसा सिस्टम तलाश करें कि जो आपको बहुत आला पैमाने पे, पे पैदावार दे जिससे आप आला पैमाने पे, पे मतलब रिटर्न कर सकें उससे आपको कुछ चीज मिले अपाला पैमाने पे वहां से चीजें हासिल कर लें। वर्क सिस्टम जस्ट एज इट इज यू, डोंट ट्राई टू री इनवेट व्हील। कहते हैं कि आप ना सिस्टम के साथ काम करें जैसे आपको प्रेजेंटेशन दी गई है उसी तरीके से प्रेजेंटेशन चलाएं और आप नया कोई बीच में से नई आजाद ना करें नया कोई कटा ना खोल दें बीच में आप बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इदारे के अंदर टाइम्स के अंदर जो अपने बीच में से फार्मूले लगाते हैं जिसकी वजह से वो सिस्टम आगे नहीं चल पा रहा होता आप जो है जो सिस्टम बना बनाया उसको फॉलो करते जाएं आपकी सक्सेस आगे होना शुरू हो जाएगी फॉलो दी स्ट्रेटेजी थॉट

प्रैक्टिस करें नो no रिजल्ट आ जाएंगे रिजल्ट प्रैक्टिस में नहीं आते रिजल्ट अगर प्रैक्टिस में आ गए तो वो आपका ठीक है मतलब लग गया तो कल लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं यू मस्ट लर्न टू फॉलो बिफोर यू कैन लीड कहते हैं दूसरों की रहनुमाई करने से पहले आपको जरूरी है कि आप सीख लें आप लर्निंग कर लें आप अंडरस्टैंड कर लें आप सीख लें आप समझ लें देखिए मैंने आपको एक्शन लूप के बारे में ट्रेनिंग दी कि आप कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं आप इनविटेशन करें आप प्रेजेंटेशन करें आप फॉलो अप करें ये काम आप करें चार रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताइएगा आपको मिलेंगे लेकिन इसकी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करने से कुछ अरसे के बाद रिजल्ट जाके मिलेंगे आप बहुत सारे लोग हैं ट्रेनिंग ले लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग ले लेने से कामयाबी का कोई तलब नहीं है ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग पे अमल करने से कामयाबी का मतलब कामयाबी का तलक है तब कामयाबी जाके मिलती है तो अपने अंदर एक्शन का अमल जो है वो थोड़ा तेज कर दें। ताला आपकी कामयाबी और ज्यादा तेज हो जाएगी और तेजी से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे दी रूल इज आप यहां पे रूल बताया जा रहा है रूल का यहां पे असूल बताया जा रहा है आपको फाइंड दैट वर्क ऐसा सिस्टम तलाश करें जो काम करता है एंड वर्क इट टिल यू ड्रॉप और उस वक्त तक काम करते रहें जब तक ये सिस्टम आपको ड्रॉप नहीं कर देता यानी कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं देता आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते ये असूल होना चाहिए कि सिस्टम आपको लेके आगे चले आपको गाइडलाइन दे आपको प्रॉपर दे इनशाला तला मैं आपकी एन डी ओ बी टी पी टी का प्रॉपर आगाज़ करूंगा हमने ऑफिस का आगाज़ इनशा मैंने किया अभी कुछ कुछ दिनों तक ओपनिंग कर देंगे तो उसमें आपकी एन डी ओ बी टी पी टी ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है ठीक है जैसे कि मैं आपको शुरू करवाया था जी सिस्टम मैनुअल ठीक है वो जी सिस्टम मैनुअल आगे हम पढ़ेंगे तो हमने अभी पहला हिस्सा पढ़ा था जी सिस्टम मैनुअल जिसमें हमने पढ़े थी पांच चीज़ें ड्रीम हमने ड्रीम पे बात कर ली थी फिर हमने नो एंड केम प्रोडक्ट पे बात की थी फिर हमने बात की थी इनविटेशन प्रेजेंटेशन सॉरी कॉन्टैक्ट लेस इन्विटेशन प्रेजेंटेशन पे बात की थी और फिर उसमें आगे फॉलो अप आ जाता है तो ये पहला ऐसा मुकम्मल हुआ फिर चूंकि आगे जो अगला है उसमें टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मैंने अभी इसलिए नहीं शुरू किया कि तो वो सिल्वर मेंबर और गोल्ड मेंबर का है ठीक है सिल्वर और गोल्ड मेंबर का क्या मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अब हमारी एनडीओ और बी जो है वो आप में जो लोग बिल्ड होंगे फिर वो आप करेंगे मैं बीच में क्या होगा आप, तैयार होना शुरू हो जाएंगे फिर इनशाला ट्रेनिंग आपकी करूंगा ठीक है फिजिकली आपकी प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग हो जाएंगी तो आप में आपके अंदर ताकि बिल्डिंग आना शुरू हो जाए कि आपकी बिल्डिंग होना शुरू हो जाए और आपकी बिल्डिंग होना शुरू हो जाए ये था जी हमारा पिलर नंबर थ्री अभी हम पिलर नंबर फोर पे जा रहे हैं पिलर नंबर फोर पे हम डिस्कस करेंगे पिलर नंबर थ्री पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कर सकते हैं जी पिलर नंबर थ्री के हवाले से पिलर नंबर थ्री का नाम है वर्क सिस्टम इसका कोई इसके मुतलका क्वेश्चन हो काइंडली तो मुझसे अभी कर सकते हैं आप पिलर नंबर के बारे में क्वेश्चन हो और ये रूल फाइन सिस्टम कह जी यू ड्रॉप जी जी इसके बारे में थोड़ा आ इसको ये कह रहा है कि आप ना ये रूल बता रहे हैं ना असूल बता रहे हैं ये बता रहा है कि जो काम ही नहीं करता रिजल्ट कोई नहीं है और फिर ये बताता है कि वो सिस्टम ऐसा हो कि वो काम करे और कब तक काम करे कि जब तक आप उस सिस्टम में कामयाब नहीं हो जाते यानी कि यहाँ पे टिल यू ड्रॉप टिल यू ड्रॉप का मतलब यह है कि आप जब उस तक पहुंच नहीं जाते यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर ना आप गाड़ी पे बैठते हैं तो वो गाड़ी आप कहते हैं तो मुझे ड्रॉप कर दो यहाँ पे मेरी मंजिल आ गई है मेरा मेरा स्टेशन आ गया है मेरा जो है जो ये टर्मिनल आ गया मुझे ड्रॉप कर दें पे पे तो सिस्टम वही आपको चाहिए कि जो आपको आपकी मंजिल पे ड्रॉप करे जाके आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए उसको सिस्टम कह, कहते हैं ऐसा सिस्टम तलाश करें जो आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी कर रहा हो आपकी मंजिल तक आपके लेके जाने वाला भी हो ऐसा ना हो कि आपको बीच रस्ते छोड़ दे आधे रस्ते छोड़ दे और आगे आपकी मतलब इसकी मिसाल ऐसे है कि आप है, आप ब्राउन ब्राउन मेंबर हैं से आपने सिल्वर बनना है सिल्वर पे आप और नॉलेज चाहिए आपने गोल्ड बनना है तो गोल्ड पे और नॉलेज चाहिए आपने प्लाटीनियम बनना है तो और नॉलेज चाहिए और स्केल चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है और आपने फिर एस बनना है सेल मैनेजर बनना है तो थोड़ा और नॉलेज चाहिए फिर आपने एस बनना है तो उसके और नॉलेज चाहिए फिर आपने आगे SSM के बाद आपने डायरेक्टर बनना है और नॉलेज चाहिए फिर डायरेक्टर बनना है उस पे और नॉलेज चाहिए फिर आपने उसके आपने पहला लेवल है जी आपका फाउंडेशन लेवल ठीक है फिर फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट लेवल फिर आपका सीनियर लेवल तो ये तीन नॉलेज आपको सिस्टम देने वाला हो ऐसे ना हो कि आपका फाउंडेशन लेवल का नॉलेज आ जाए आप फाउंडेशन मुकम्मल कर लें लेकिन इंटरमीडिएट का नॉलेज आपके पास ना हो इंटरमीडिएट तक आप पहुंच जाए तो इंटरमीडिएट से आपने सीनियर लेवल तक पहुंचना है तो आप सीनियर लेवल का नॉलेज आपके पास ना हो उस sorry, उस सॉरी सिस्टम के अंदर ना हो तो वो सिस्टम फिर मुकम्मल नहीं है वो कंप्लीट नहीं है फिर वो वर्क करने वाला सिस्टम नहीं है काम करने वाला सिस्टम नहीं है तो जिसमें आपका जैसे अभी हमारा जी सिस्टम है तो इसके अंदर इन तीनों स्टेप मौजूद हैं ये तीनों स्टेप पे रहनुमाई करता है ये गाइडलाइन देता है कि गोल्ड मेंबर ने क्या क्या काम है ये गाइडलाइन देता है ये रूल है ये कहता है ये असूल है ये असूल यानी कि आप बनाए कि सिस्टम की तलाश करें वो सिस्टम जो काम करता हो और उस वक्त काम करे जब आप अपनी मंजिल आपको पहुंचाए भी ऐसे ना हो कि आप यहाँ पे गाड़ी पे बैठे हैं और वो गाड़ी जाके मोटरवे पे चल रही है तो वो जाके चक्री स्टेशन पे जाके खराब हो गई है और वहां पे धक्का लगाने की जरूरत पड़ रही है फिर धक्का लेके आप धक्का लगा के उसको लेके जा रहे हैं या किसी के के पीछे बांध लेके जा सिस्टम है जी सिस्टम इज फॉर ये एमएलएम के लिए है फॉर ओनली इज ये थोड़ा सा जरा इसको सर ये बेसिकली तो टाइम्स तो के लिए हमने है आपको आवाज आ रही ये सर ये बेसिकली टाइम्स के लिए है एमएलएम के लिए नहीं है क्योंकि जो जी सिस्टम डिजाइन किया है ठीक है ये एंथोपियन ने डिजाइन किया है और इसकी जो रहनुमाई ली गई है वो बीच में से जो अमेरिका का अमेरिका के मुख्तलिफ जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं ठीक है उनसे रहनुमाई लेके इसको डिजाइन किया गया है तो इसको जो बनाया गया है वो टाइम्स के लिए बनाया गया जी सिस्टम को प्रॉपर मतलब बेसिकली गेज से लिया गया एरिक वोरिक से लिया गया कुछ चीजें कुछ से ली गई रॉबर्ट से ली गई ठीक है तो इन चीजों को इकट्ठा करके फिर बीच में चूंकि जाहिर बात है एम एल एम जब मल्टी लेवल मार्केटिंग तो प्लेटफॉर्म के जरिए तो नहीं प्लेटफॉर्म के बगैर तो नहीं होगी यानी कि एम एल एम का मतलब यह है कि ये तो एक सिस्टम है लेकिन वो एम एल एम आप किसी कंपनी में करेंगे ना तो वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए यह बड़ा मैटर करता है अब जैसे बहुत सारी मनी गेम्स हैं दो नंबर है, वो भी MLM के नाम पे होती हैं लेकिन उनका प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं होता लेकिन एम एल एम का शोभा लीगल है तो अब उनके पास प्रॉपर जो है एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो जाती हैं उनमें एक वजह यह भी होती है कि उनकी कंपनी स्टेबल नहीं होती लीगल नहीं होती तो हमारा जो जेन्य सिस्टम है ये बाकायदा टाइम्स के लिए डिजाइन किया गया है टाइम्स के लिए बनाया गया है ठीक है इसमें आपको हर स्टेप के ऊपर ये करता है क्लियर हो गया जी जी क्लियर जी, है जी ओके okay जी तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जी अगला स्टेप का नाम है जी पिलर नंबर फोर नंबर फोर कहते हैं टेल योर स्टोरी कि अपनी स्टोरी बताएं अपनी कहानी बताएं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप याद रखिएगा कि टाइम्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो स्टोरी शेयरिंग है यह बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टोरी शेयरिंग आपकी जो स्टोरी है इस पे आगे हम गुफ्तगु करेंगे जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा नाम शक्ला अफजल मेरा तलक चकवाल से और इस सिस्टम में आने से पहले मैंने मुख्तलिफ काम किए सरकारी इदारे में जॉब भी की सेलमैन का काम भी किया मेरे वाले साहब बचपन में फौत हो गए तो हालात बहुत ख़राब हुए और किचन तक चलना डिस्टर्ब किचन जो था वो भी डिस्टर्ब होगा किचन को चलाना जो है वो महाल हो गया तो खाना डिस्टर्ब होगा खाना खाना मतलब घर का निज़ाम चलाना डिस्टर्ब हो गया इस डिस्टर्बेंस में इस हालात की खराबी के अंदर बहुत सारे सिस्टम को तलाश करने के बावजूद नौकरी तलाश की मुख्तलिफ काम तलाश है, किए का प्लेटफॉर्म मिला तो ये कैसा प्लेटफॉर्म मुझे इसमें मैं अपनी जिंदगी के खावों को पूरा मैं कर सकता हूँ मेरी वालदा जब हालात खराब थे तो इन्होंने बड़ी मुश्किल के अंदर गाँव में मुख्तल काम करके यानी कि भैंस रख के दूध बेच के हमें पाला पड़ाया और इस हालात में आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका था तो टाइम्स के प्लेटफॉर्म ने सहारा दिया और फिर मैं आगे बढ़ा तो ये स्टोरी है ये हकीकत पे मबनी स्टोरी है और आपकी जो कहानी है वो हकीकत पे मबनी होनी चाहिए जो रियलिटी है वो आपने बयान करनी है मतलब आपने ये मेरी स्टोरी सुनी अब चूंकि आप, आप शेयरिंग सुनते हैं बहुत सारे लोग तो दूसरे लोगों की शेयरिंग से शेयरिंग चोरी नहीं करनी और कहानी स्टोरी होती हुई है शेयरिंग होती ही जो रियलिटी बेस हो जो अब नहीं हो आइए इसको जरा देखते हैं जी पिलर नंबर फोर टेल योर स्टोरी एवरी मैन इज अ स्टोरी टेलर अब यहां पे एक मिसाल दे रहे हैं जो मैन होते हैं वो स्टोरी टेलर होते हैं वो कहानी बताते हैं ठीक आप देख लो कोई भी सेलमैन जब चीज बेचता है ना जब चीज को सेल करता है तो आप देखिए उस चीज के बारे में मुकम्मल वो एक ना स्टोरी बन जाता है आप शर्ट लेने जाते हैं तो वो बताते हैं शर्ट का कपड़ा ऐसा है इसका रंग नहीं उतरेगा इसके इस पे बोर नहीं आएगा वो पूरी स्टोरी आपको बता रहा होता है यानी कि उस चीज के बारे में जो है वो बड़ा इन मोस्ट केसेज सेलमैन टेल नट्स एंड बोल्ट स्टोरीज अबाउट दूजेज एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट आर सर्विस जैसे अभी बता दिया आपको जो सेलमैन होते हैं नट्स बोल्ट की इन्होंने मिसाल दे दी के उसकी स्टोरी कि वो क्या करते हैं कि वो उस चीज के बारे में बेनिफिट्स बताते हैं उसके बारे में जो जो उसका चीज का फायदा होता है वो बताते हैं और उस सर्विस के बारे में बताते हैं ताकि वो चीज को सेल कर सके तो चूंकि हमारा जो बिजनेस है चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी स्टोरी है और ये आपने बनानी है इसमें मैं आगे चल के मजदूर बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटेड टेल अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेल जो टेल कहानी को कहते हैं जो नेटवर्क मार्किटर होते हैं हम नेटवर्क मार्किटर हैं सब जो नेटवर्क मार्किटर होते हैं जी जो नेटवर्क मार्किटर होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म की जो है इनकी मुख्तलिफ किस्म की कहानियां होती हैं जो नेटवर्क मार्किटर होते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की कहानियां बताते हैं दे टॉक अबाउट डेम सेल्स अब ये आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं दे टॉक अबाउट डेम सेल्स ये अपने मुतल बताते हैं देर लाइफ अपनी जिंदगी के मुतलका बताते हैं है. जैसा भी मैंने शेयर किया मैंने नाम अपना बताया फिर मैंने अपने बैकग्राउंड बताया एंड देयर गोल्स और अपने गोल के मुतलका बताते हैं कि मैं जिंदगी में कहां जाना चाहता हूं किस लेवल तक जाना चाहता हूं किस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं ड्रीम्स अपने खाबों के मुताल बताते हैं यसीन अपना माइक बंद कर लें पर्सनल एक्सपीरियंस इन एम और एम के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो उनका जाती तजर्बा होता है एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में शेयर करते हैं तो ये आप देखिए कहानी बन गई ना ये कहानी इस तरीके से स्टोरी से यू आर ट्राइंग टू हिम टू मेक सेम कैरियर मूव दैट यू डिड यू आर ट्राइंग आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये कह रहा है कि आप भी ये कोशिश कर रहे हैं इन मतलब इनकी पैरवी करने की कोशिश करेंगे जो इन सेम कैरियर है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे यानी टाइम्स के अंदर इन्हीं को आप फॉलो करेंगे ठीक है और इसी तरीके से जो आपने किया आप उसके मुतल जो है अपनी शेयर करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और किस तरीके से आपने मतलब उन प्रॉब्लम को हैंडल किया और फिर कैसे आप आगे बढ़े बाय ज्वाइनिंग योर कंपनी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब इस कंपनी को आपने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ज्वाइन किया टाइम्स को तो आप अपनी ये कहानी बनाएंगे अभी आपको किसी को दो महीने किसी को तीन महीने किसी को चार महीने देखें अब मिसाल आप जब बंदा नया ज्वाइन होता है तो आपको जब बंदे रिजेक्शन करते हैं तो हम कहते हैं यार हमें भी रिजेक्शन हुई तो हम अपनी फिर कहानी शेयर करते हैं जब आपके साथ लोग ज्वाइन डेड होते हैं तो हम अपनी कहानी शेयर करते हैं यार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ तो यह, यहाँ पे फिर बंदे को समझ आ जाती है यार जो मेरे साथ हो रहा है ये ऑलरेडी लोगों के साथ हो चुका है चूंकि नया बंदा होता है वो समझता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये कोई अनोखा हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है किसी और के साथ नहीं हुआ तो वो परेशान हो जब आप स्टोरी शेयर करते हैं तो वो फिर उसको हौसला अफजाई हो जाती है वो इनकरेज हो जाता है कि ये इनके साथ भी हुआ है योर पर्सनल स्टोरी इज क्रिटिकल इन इंस्पायरिंग हिम टू फॉलो यू कहता है कि जो आपकी जाति कहानी है स्टोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आम है उन लोगों के लिए जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनको इंस्पायर करने के लिए उनको मुतासर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखिएगा योअर स्टोरी डज नॉट हैव टू बी स्पेशल आपकी जो स्टोरी है वो बहुत स्पेशल भी नहीं होनी चाहिए आप स्पेशल का मतलब क्या है आप ऐसी शेयरिंग ना करें जो आम लोगों के साथ जिसका मतलब मतलब जो है वो लिंक ही ना हो एक मैं जुमला यहां कहा करता हूं ट्रेनिंग में कि हमारे बिजनेस के अंदर छोटी चीज बड़ी है और बड़ी चीज छोटी है आप बहुत सारे लोग आपके सिस्टम के अंदर जो बड़े हाई लेवल के लोग आते हैं वो नहीं चलते क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है और यहां पे अब मैं यहां पे ये बात समझ लें आप उन लोगों को डुप्लीकेट भी ना करें कि जो इस काम के अंदर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे मतलब ऐसे होता है कि आपका कोई ट्रेनर है ठीक है जिसका आपके बिजनेस के साथ कोई तल्लक नहीं है मतलब आप चलो उससे कोई दो बात चार बातें सीख रहे हैं लेकिन लेकिन यह है कि वो आपके बिजनेस को प्रॉपर आपके बिजनेस में फॉलो नहीं कर रहा आपकी कंपनी में नहीं है लेकिन उसकी जो स्टोरी है वो मे भी आपके लिए आपके बिजनेस के लिए ठीक ना हो आपने अपनी स्टोरी को सादा रखना है और सिंपल रखना है जैसे अभी मैंने शेयर किया जस्ट टेल ट्रुथ और हकीकत पे मबनी हो इन योर ओन वर्ड्स आपके अपने अल्फाज में हो देखिए आप स्टोरी अगर पंजाबी में शेयर कर सकते हैं तो करें ठीक है आप पठान हैं आप पिशावर में गए हैं आप केपीके के में गए हैं तो वहां पे आप पश्चों में बोलें समटाइम हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं कि जो अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं अच्छी बात है अंग्रेजी ये नहीं वो नहीं बोलनी चाहिए बोलनी चाहिए लेकिन अगले बंदे को बात समझ कोई नहीं आ रही तो वो कहेगा पता नहीं क्या क्या के चला गया जी बातें तो बड़ी कर रहा था लेकिन समझ कुछ नहीं आया तो आपका सादा लफ्जों में होनी चाहिए आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए किसी के अल्फाज में नहीं होनी चाहिए एज यू बिकम मोर सक्सेसफुल योर स्टोरी विल इम्प्रूव जितने आप कामयाब होते चले जाएंगे इस सिस्टम के अंदर आपकी स्टोरी और इम्प्रूव होती चली जाएगी बेहतर होती चली जाएगी मतलब आप ये अब बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो ऐसी शेयर कर रहे होते हैं कि जिनकी मैं मैं खुद देखता हूं कि वो बातें उनकी नहीं होती मिसाल मेरी बातें को शेयर कर रहे होते हैं या अपनी ऑफलाइन अप की बातें मतलब जो ऑफलाइन की अचीवमेंट होती है वो अपने साथ मिला के शेयर कर रहे होते हैं तो ये भी ऐसा अच्छा नहीं होता तो आप जो जो आगे बढ़ते जाएंगे देखें जिस जिसमें कार रिसीवर बन गए तो आपकी स्टोरी में इजाफा हो जाएगा नेशनल टूर आपने अचीव कर अचीव कर लिया तो आपकी स्टोरी में इजाफा हो जाएगा इस तरीके से आपने क्या करना है कि आपकी स्टोरी आपकी अपनी होनी चाहिए योर स्टोरी इज द मोस्ट पावरफुल रिक्रूटिंग टूल यू हैव आपके पास लोगों को ज्वाइन कराने का जो सबसे जबरदस्त टूल है ताकतवर हथियार है वो आपकी कहानी है आपकी स्टोरी है मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग की जो आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले वो शेयरिंग करें आपको बिजनेस के मुतालिका जो आपने सीखा उसके बारे में शेयर करें द की टू गुड स्टोरी टेलिंग इज नोइंग टू टेल ये बड़ी आम चीज है जी की टू गुड स्टोरी टेलिंग मतलब जो चाबी है अच्छी स्टोरी बताने की अच्छी स्टोरी मतलब अच्छी स्टोरी जानने की वो ये है उ मच ऑफ योर स्टोरी इज कि आपने अपनी स्टोरी में कितना ज्यादा बताया एंड हाउ एंड पार्ट ऑफ इट इन गिवन सिचुएशन आपने वहां पे कौन सा ऐसा पार्ट था उस अपनी स्टोरी के अंदर वो आपने उन हालात के मुताबिक वहां पे बयान किया मिसाल के तौर पे आप देखें मैंने जब अपनी स्टोरी शेयर की तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो जिन जो जिनके हालात खराब होते हैं तो अब ये जब आपने स्टोरी उनकी हालात के मुताबिक सिचुएशन के मुताबिक शेयर कर दी तो वो उनको ये एस्पायर करेगी मतलब उनके अंदर इंस्पायरिंग आएगी वो मोटिवेट होंगे इस तरीके से आपका जो स्टोरी का हिस्सा होना चाहिए वो मतलब लोगों को जब बता रहे हों तो वो उस सिचुएशन के मुताबिक हो जो सिचुएशन जो है आप देख रहे हैं आप मैक्सिम आप देखते हैं हमारे लीडर आपको स्टेज, स्टेज पे आकर स्टोरी शेयर करते हैं ये बहुत अच्छा है इस तरीके से आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें अपना तार। आप देखें जब ओपीपी करते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो सब सबसे पहले वहां पे जो तारफ करवाते हैं तो वो तारीफ आपकी स्टोरी है अब अगला जो हमारा जो है जी वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी पिलर नंबर फाइव और इस कहते हैं कीप इट सिंपल कल इनशा तला हम इसको पिलर को डिस्कस करेंगे कीप इट सिंपल को कि हर चीज को सादा रखना है और किस तरीके से आगे करना है हमारे पास तकरीबन साढ़े पांच मिनट है जी कि इस स्टोरी के बारे में जो अभी हमने शेयर की जो पिलर फोर शेयर किया है इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मुझे पिलर नंबर फोर के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो या कोई शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जी चले थैंक यू जी तो आज हमने फोर पिलर मुकम्मल किए कल इनशा तला अगले जो पिलर हमारे रह गए हैं पीछे तकरीबन तीन पिलर रह गए हैं तो कल कोशिश करेंगे कि वो हम मुकम्मल कर लें तो बाकी तमाम दोस्तों से जो गुजारिश है कि वो अपने अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करें अः तमाम दोस्त जो हैं प्रोडक्ट बुक्स का अरेंज कर लें इनशाला इसके बाद चूंकि हमारा प्रोडक्ट जो रह गए है वो स्टार्ट में करूँगा उसके लिए प्रोडक्ट बुक आपको सदर मेरे ऑफिस से मिल जाएंगी वहाँ से आप जो है मंडे uh, से इनशालावर्ड uh, मैसेज चल जाएगा तो वहाँ से आपको डॉकूमेंट जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इनशाला सारे काउंटर पर अवेलेबल होंगे और आपको रीज़नेबल प्राइस से वहाँ से मिल जाएंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट बुक जो प्रोडक्ट रह गए हैं उनको भी हमने मुकम्मल करना है वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगा और बाकी जो आपका होम होम ऑफिस वाला काम है वो भी मुकम्मल करें कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वर्किंग करें ठीक है इस तरीके से ताकि आपकी असाइनमेंट जो जो असाइनमेंट मैंने दी हुई हैं काइंडली उन असाइनमेंट पर भी वर्किंग करें थैंक यू वेरी मच जी इनशा तल आपसे मुलाकात होती है uh, कल और uh, कल मगले